कोरोना की सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत तमाम राज्यों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्यों से मौजूदा हालात पर रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट की चिंता यह है कि नवंबर में अगर ये हाल है और कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा तो दिसंबर में क्या हाल होगा। अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर की तय की गई। दिल्ली में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। दिल्ली में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तमाम दूसरे राज्यों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द अगर कदम नहीं उठाए गए तो दिसंबर में हालात बेकाबू हो सकते हैं। बिहार का रुख करेंगे जहां पर लव जिहाद के खिलाफ गिरिराज सिंह की कानून बनाने की मांग पर शिवसेना ने सख्त बयान दिया है। महाराष्ट्र में कानून की मांग करने वालों को राउत ने कहा कि पहले बीजेपी का कानून देख लें फिर फैसला होगा। मेरा मानना है कि लव जिहाद असामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया। अब कई राज्यों ने इसको बनाने की मुहिम में लग गया है। बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। बिहार में जब ये कानून बनेगा, नीतीश कुमार जी जब कानून बनाएंगे उस कानून का हम अध्ययन करेंगे पूरी तरह से और उसके बाद हम महाराष्ट्र में उस बारे में सोचेंगे। बिहार में बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी की है। 3 नंबर पे नीतीश कुमार है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का है। तो बिहार में जो कानून बनने वाला है लव जिहाद के खिलाफ उसका पूरा अध्ययन हम लोग करेंगे और बाद में महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था से। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है। दरअसल इस कड़ी में नया नाम है गुलाम नबी आजाद का। उन्होंने भी पार्टी के रणनीतिकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि 5-स्टार होटल में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते। सबसे बड़ा कारण मैं लीडरशिप को दोष नहीं देता। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड तो छाप देता है, विजिटिंग कार्ड भी बना देता है, तो वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस वक्त से शुरू होना चाहिए। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। इसमें शुरुआत में करूं एक शेर से, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। 5-स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5-स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5-स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5-स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा कि ये आसान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।